किसान भाइयों, मैं राहुल कुमार किसान गंगा के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हैं तिलहर ब्लॉक में, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट तिलहर ब्लॉक ग्राम रमापुर में। यहां पे हम आप प्रगतिशील किसान से मिलाते हैं। इन्होंने गन्ने का नया प्लांटेशन नए मॉडल पे किया है और इसमें सभी गन्ने की नई प्रजातियां ज़्यादातर लगा के रखी हैं और गन्ने का एक यूनिक मॉडल इन्होंने यहाँ पर तैयार किया है। तो अपने किसान भाई से हम आपका परिचय कराते हैं और इनका मॉडल कैसा है वो भी आपको दिखाते हैं। भैया हमारे साथ हैं, भैया अपना परिचय देंगे थोड़ा। जी, ग्राम रमापुर पोस्ट मीरारपुर कटरा जिला शाहजहाँपुर में लगते हैं और गन्ने के हमने प्रजाति जो है 13235 नई वैरायटी लॉन्च की है। शाहजहाँपुर सौ से लाए थे। हाँ, 13235 वैरायटी है। हाँ, ठीक है। और इसकी 10 फीट पे लेंथ, ये लाइन से लाइन की दूरी जो है 10 फीट रखी है। 10 फीट है और ये हमें ये दूरी जो है लाइन से लाइन 10 फीट रखी है भैया ने और बीच में दूरी 2 फीट की है। यहाँ पे जो है ये 2-2 फीट पे 3 नालियाँ ली हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ कि जो नालियाँ ली हैं ये लाइन की दूरी 2 फीट है यहाँ से यहाँ कुंड की दूरी। तो यहाँ पे 3 लाइनें इन्होंने 2-2 फीट करके ले ली हैं। इसके बाद आगे आइए पूरा टहला देते हैं। ये ऐसे हर रो डिवाइड हो गई है। दूसरी वैरायटी आ जाएगी 15023। हाँ, ये वैरायटी कौन सी है? 15023 से लगा रखी है। पूरी लाइन उसी की लाइन थी। ठीक है, अगली आगे 14201। ये 14201 है वैरायटी। हाँ, बढ़िया ये भी ग्रोथ में ले रही है। हाँ, आगे 201 वैरायटियाँ अगली 4-5 लाइने हैं। अच्छा अच्छा, और आगे और 98014। अच्छा, ये कौन सी है? ये भी 14201 ही है। ये भी 14201 की ही है रोपूरी। ठीक है। हाँ, आगे कौन सी है? ये तीनों लाइनें ओरिजिनल 4। ये भी 14201 ही है। हाँ, कोई रोग उग इसमें? कोई रोग नहीं है। कोई रोग नहीं है। हाँ, अच्छा ये वैरायटी कौन सी है? ये भी 14201 ही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डाउन है आपकी रोई? यहाँ पे सरसों थी इसलिए वो बड़ी सरसों थी काली, तो उसकी वजह से अच्छा जर्मिनेशन में थोड़ा लेट हुआ तो लेट चली। अच्छा, ये जी 98014 है। अच्छा, ये भी नई आई है? हाँ, ये पुरानी हो चुकी है काफी। 98014। अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा है और पैदावार में बम फर्क है। अच्छा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है काफी। हाइट है बहुत अच्छी। कोई बीमारी इसमें? ना बीमारी, नो। अच्छा, बीमारी नहीं इसमें, बहुत कम बीमारी है, सब यही है। अच्छा, पूरा ये जो प्लॉट आपका है मॉडर्न जो है प्राकृतिक खेती पे डेवलप किया गया है? प्राकृतिक खेती, पूरा प्लॉट फुल्ली ऑर्गेनिक है। ये 9232 है वैरायटी। अच्छा, ये 9232 है। वो भी आगे 9232 का हीरो। तो आप इसका कैसे मतलब खाद का क्या प्रबंधन करते हैं, कैसे करते हैं? खाद का इसके जीवा मृत बनाया था और घनजीवा मृत बना के अच्छा डलवाया था, स्प्रे हो जाती है। अच्छा, इसकी जीवा मृत की स्प्रे भी होती है और सुंडी के लिए या कोई जिसके लिए नीम ऑयल के या इसके जो बनाया था जी जी जीवा मृत डाल के 10 किलो गोबर और 5 किलो गौमूत्र और 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़, एक सौ अस्सी लीटर पानी में मिला के टम्बे और खेत की 1 मिनट की मिट्टी डाल के और 48 घंटे के लिए रख देना है। अच्छा, सुबह शाम में सीधे हाथ में हिलाना है। ठीक है, और 48 घंटे बाद इसकी स्प्रे कर सकते हैं आप और उसे खेत में चला भी सकते हैं। अच्छा, सूखा भी तैयार करवा रखा था यहाँ। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने मॉडल तैयार किया है और मुझे लगता है कि ये किसानों के लिए यहाँ पे देखने के लिए भी एक अच्छा मॉडल तैयार हो रहा है और जो भी किसान भाई यहाँ पे आएंगे कुछ सीख के ही जाएंगे। जी जी, बीच में यहाँ पे आपने सह फसली भी ली है? इसमें सह फसली ली थी, पहले चना भी था, मूंग भी थी। अच्छा, मसूर भी था। अच्छा, और सरसों भी थी। जी जी, और इसमें मैं अभी बाद में उर्द भी ले चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, एक जो नॉर्मल यहाँ पे गन्ना हो रहा है 2-2.5 फीट पे किसान बो रहा है उसमें फायदा है या इसमें फायदा है? इसमें इस बार तो अच्छी पैदावार भी हो रही है, कटिंग के बाद पता लगेगा। हाँ, बेनिफिट अच्छा लग रहा है। हाँ, बाकी बीच में आपने सह फसली के रूप में भी अच्छा रिटर्न ले लिया है। हाँ, जी जी, ठीक है ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है। हम लोग विकास अपने अपने आप करेंगे।